लगता कोई डरावना ख्वाब देख लिया तुमने। पानी पी। यार मोहब्बत की कसक ही कुछ ऐसी होती है, चला के भस्म कर देती है लेकिन सुकून नहीं मिलता। उमर, तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम हमारी डिवोर्स डिक्लेयर कर दोगे। हाँ कर दूंगा, एक दफा मेरा काम हो जाए फिर। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, वक्त आने पे बता दूंगी। ठीक मंजूर। दो दिन हो गए मुसलसल उसे ढूंढते हुए, उसकी वजह से वलीमा भी कैंसिल हो गया। मान क्यों नहीं लेते हो कि वो अपनी मर्जी से गई है? जब मैं हकीकत जानता हूं तो कैसे मान लूं? क्यों अपनी अना का मसला बनाया हुआ है? ना का मसला? ये रोशनी इस घर की बेटी है, उसके साथ अब कुछ गलत होने दे, कमाल है। रयान, तुम्हारी पप्पो ठीक कह रही है, तुम्हें रानिया को वक्त देना चाहिए, रोशनी को तो पुलिस खुद ढूंढ लेगी। उन लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, ऐसे काम नहीं करते वो लोग। अरे रानिया, तुम कहां जा रही हो? अभी चाय आ रही है बेटा। तंग आ गई हूं मैं मुमानी जान, रोशनी नामा सुन सुन के मजीद नहीं सुन सकती, प्लीज। ठीक ही तो कह रही है, अभी नई नई शादी हुई है और ये सब कुछ। रैन बेटा, तुम जाओ रानिया के पास, मैं तुम दोनों के लिए चाय वहीं भिजवा दूंगी। सुना नहीं, नहीं पी रही उसने चाय। मैंने कहा ना, जाओ उसके पास। क्या बात है, बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है कि उस वफा की देवी की कुर्बानियों की दास्तानें सुनती रहूं। कजन है हमारी, ख्याल करो उसका। वो मेरी खुशियों की दुश्मन है और कुछ नहीं। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा, बताओ तो जरा। तुम पूछ रहे हो मुझसे? यार समझने की कोशिश करो रानिया, उसकी जिंदगी इस वक्त खतरे में है। रयान, अगर उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी है ना, तो क्या कर लोगे? तुम बचा लोगे उसे या उसकी जगह अपनी जान दे दोगे? कोशिश तो कर सकता हूं ना, और उसके लिए मैं कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है, कर लो कोशिश, और अगर वो वापस आ जाए ना तो तुम भी लौटा, क्योंकि मुझे मेरा शौहर किसी दूसरी लड़की की फिक्र में घुलता हुआ नहीं चाहिए। रानिया प्लीज, रयान, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं।
लगता है बहुत याद आ रही है उसकी, इसलिए जान जोखिम में डालकर भी उससे बात करना चाह रही हूं। उमर, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो तुम्हें मेरी रायान से बात करवानी पड़ेगी। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि अपना बना बनाया प्लान चौपट कर दूं। उमर, तुम समझ नहीं रहे, मेरा यकीन करो कि उस घर में सिर्फ रायान ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। प्लीज प्लीज उमर। वो बात बात की है, पहले मुझे ये देखना है कि क्या मैं तुम पर एतबार कर सकता हूँ कि नहीं।